हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं दीप्ति गुप्ता परीक्षा प्लस के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस सेशन के पहले मेरी दो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैं CDP का सेक्शन और मैथ का सेक्शन आप सबके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आपने वो दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले पहले उनको देख लीजिएगा, जिससे आपकी एक समझ है ना, वो एक विकसित होने लग जाएगी। ठीक है, आपका 31 तारीख को एग्ज़ाम भी है और होप सो पढ़ाई तो बढ़िया चल ही रही होगी। बाकी आज सर्दी भी बहुत हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, पढ़ाई करते रहेंगे अपन। तो आज हम डिस्कस करेंगे EVS का सेक्शन, जो कि 8 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम। ओके, देखिए क्या कहता है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नगर कोइल केरल जाने के लिए बैठा। ठीक है, यह ट्रेन सूरत से 19:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी इतनी है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। अब देखिए, मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, समय तो हमारा दिया ही हुआ है, तो हम सारे पहले ये देख लेंगे कि कितने घंटे ट्रेन चली थी। ठीक है, और हमको दूरी दी है और हमें चाल निकालनी है, जो अभी देखना आप कितनी आसानी से निकल जाएगा। देखिए, 29 तारीख को ट्रेन चली थी। ठीक है, चली कब तक है, 1 दिसंबर तक चली है, तो स्टेप बाई स्टेप करेंगे। 29 को चली, 30 दिसंबर मंथ 31 का होता है, आपको पता ही होगा, और 1 दिसंबर तक ट्रेन चली थी। ठीक है, तो ये 19:45 से शुरू होती है। अब मान लीजिए अगर 30 डेट तक ये चलेगी तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, जब 30 डेट आएगी तो हमारे 24 बजे तक ही तो चलेगी। इसमें इसका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस कर लीजिए 24 में से, जब आप 19:45 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 4 गया 5, इधर 3 में से 9 मतलब 13 में से 9 मतलब 4, 4 घंटे 55 मिनट तो हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, 31 से 31 तक चलेगी तो 24 घंटे ट्रैवल कर लेगी, 24 घंटे आप ये वाला ऐड कर दीजिए। अब ये 1 दिसंबर को कब तक पहुंचती है, 11:45 तक। अब 31 से 1 दिसंबर तक का टाइमिंग कितना है, 11:45। ठीक है, 11:45। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, 5 5 10, एक आपका हासिल में जाएगा, 5 1 6 4 10, फिर से एक हासिल में जाएगा, जो हो जाएगा 4 1 5 4 9 और 1 10, मतलब फिर से एक गया इधर, 2 1 3 और 1 4, 40 आवर्स आपकी ट्रेन चली है। ठीक है, 40 आवर्स ट्रेन चली है और आपकी इन्होंने दूरी बताई है 2120 किलोमीटर। ठीक है, औसत चाल, चाल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसके पहले मतलब आप एक बार यूनिट्स भी चेक कर लीजिए, ये किलोमीटर में है, टाइम भी हमारा आर में है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम सबसे पहले सीधे डिवाइड कर लेंगे, दूरी थी हमारी कितनी, 2120 किलोमीटर। ठीक है, और समय हमारा कितना, 40 घंटे। 40 घंटे जब इससे 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से 212 को जब डिवाइड करेंगे, 4 5 20, बचा 1 और 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल की यूनिट होती है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ओके, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है। EVS में आपने भर भर के पढ़ा होगा कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, जो कि एक वेटलिफ्टर है, ये कितने किलो तक का वजन उठा लेती हैं, 130 kg तक का उठा लेती हैं, लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं है, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सीधा सा इसका आंसर था, इसमें तो कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है आपसे कि नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है, जड़ मतलब रूट्स। ओके,
पहला ऑप्शन है आपका चुकंदर आलू अदरक, दूसरा है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा है आपका शकरकंद मूली और हल्दी, और चौथा है आपका गाजर चुकंदर और मूली, जिसमें तीनों ये जड़ें हैं, बाकी आपके स्टेम्स के रूप में कई बार रिएक्ट करने लगते हैं। इसलिए कई बार क्या बेसिकली गाजर तो आपका जड़ में ही आ जाता है, ठीक है, चुकंदर भी आ जाता है, मूली भी आ जाती है, जैसे हल्दी वगैरह है आप देखेंगे कि ये स्टेम माना जाता है, ठीक है। तो इसका 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की, जिसमें पूछा गया है आपसे कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में या राजस्थान के रेगिस्तानों में या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। आप सभी को पता होगा EBS में अगर आपने मतलब समरी भी पढ़ी होगी ना तो भी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। रेगिस्तानी ओक आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, कुछ और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। अब इसके बारे में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप डिसाइड करिएगा कि कौन सा सही है या फिर गलत है। पहला ऑप्शन कहता है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, नेपेंथिस के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। जिसमें दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर इसका मुंह पत्तियों से ढका होता है, ये भी बात बिल्कुल राइट है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। देखिए बात तो सही है, छोटे कीड़े मकोड़ों को ये खाता है, लेकिन इन्होंने इसमें केवल वर्ड लगा दिया ओनली, ठीक है, ओनली कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता, ये चूहे वगैरह को भी फंसा लेता है, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ केवल ना लगा होता तो ये भी आपका सही हो जाता। चौथा कह रहा है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इनमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए माइनर से डिफरेंस दिया हुआ, मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, ये एक सुगंध छोड़ता है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ये फिर उनको फंसा लेता है अपने में, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ए और बी सही होंगे, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, जो कहता है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने किस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। सीधा सिंपल सा आंसर आप सबको पता होगा, गुजरात है, ठीक है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी आना, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है मियादी बुखार या मलेरिया या चिकनगुनिया या फिर डेंगू। आप सबको पता होगा कि भाई ठंडी लग के जो बुखार आता है एकदम कपकपी देके, वो कौन सा होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। और इसकी दवाइयां भी होती हैं जो वो सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं, सीधा सिंपल सा आंसर है, कोई डिस्कस करने की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की, 68 क्या कहता है, देखिए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया है, सीटेट में एक तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आराम से आ जाता है, ठीक है, और कुछ टफ नहीं है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, जो जो कहेगा वो करते जाएंगे और क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, एक्स है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, मान लिया डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अच्छा, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। अब मैं आपको डायरेक्शन यहाँ से बताती हूँ, पहले भाई ये ईस्ट हो जाता है आपका, ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ हो जाता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो ए पॉइंट है वो एक्स के ठीक पूर्व में है, एक्स मान लिया मैंने ये, और पूरब दिशा इस साइड है, तो एक्स के पूर्व में ए पॉइंट इधर ही तो आएगा जो कितना है 600 मीटर। आपसे दिशा पूछी है तो आप इसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में इतने मीटर की दूरी पर है, ए के दक्षिण में कौन सी दिशा आएगी भाई, देखिए अगर ए यहाँ पे है तो दक्षिण नीचे की तरफ होगा, ए के दक्षिण में कहाँ पे आएगा, ए के दक्षिण में वह आता है बी पर, मान लिए ये पॉइंट हो गया बी। आगे क्या कहता है कि
450 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। भाई पश्चिम इस साइड है ना हमारा, तो 120 ये 600 है पूरी, मान लीजिए ये कितना होगा, सी हो गया, ठीक है 120 मीटर की दूरी पे हम आ गए। अब कह रहे हैं वो कि अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। सी के ठीक उत्तर में मान लीजिए कहीं पे वाई पॉइंट ये होगा, क्योंकि उत्तर तो हमारा ऊपर की तरफ है, तो सी के उत्तर में क्या जाएगा, यही तो जाएगा, इसलिए वाई पॉइंट ये हो गया। अब पूछ रहा है हमसे क्या कि अस्पताल के सापेक्ष, अस्पताल डॉक्टर इनका क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब का अस्पताल ये वाई हो गया और घर ये एक्स हो गया। अब क्या पूछा है कि अस्पताल के सापेक्ष घर की सही दिशा क्या है। अस्पताल हमारा कहाँ है, ये है, घर हमारा ये है, तो दिशा हमारी यही तो बन रही है, ठीक है। अब दिशा यहीं से आप देख लीजिए कौन सी बन रही है, यहीं पे आप ईस्ट उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली उत्तर पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर उत्तर है और साइड में पश्चिम है, उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 68 हो गया ये। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 69 जो कहता है आपसे कि चेलाओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है झारखंड या मिजोरम या मणिपुर या फिर मेघालय। तो भाई चेराओ डांस कहाँ पे किया जाता है, मिजोरम राज्य में किया जाता है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है, आप सबको पता होगा, कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और सेशंस अगर पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कुछ नहीं मिलना होता है, बस इंट्रेंसिक एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, जो कि बहुत ज़रूरी है, आप सबको भी पता होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठंडी बहुत है फिर भी काम करना पड़ रहा है, करेंगे हम लोग मिलके, एग्ज़ाम भी क्लियर करना है कि नहीं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, वो कहते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या हैं। देखिए मैप से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको तो स्किप आपको करना ही नहीं है, मतलब मैप एक बार आप देख के ज़रूर जाइएगा कि कौन सा राज्य किधर पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे हैं, आप सबको पता होगा तमिलनाडु कहाँ, नीचे की तरफ तो पड़ता है यहाँ पे, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपके क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ये इधर पे पड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया आपका। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए पेडागॉजी शुरू हो गई आपकी। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है आपसे कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या भाई जो नहीं होना चाहिए वो पूछा है, इसका ध्यान रखना, ये मतलब स्किप ना कर देना, पता चल रहा है आपने ये पढ़ा ही नहीं और सही वाला लगा के आ गए, फिर घर पे आके कह रहे हैं कि हमारा तो क्वेश्चन सही हुआ है, और बाद में पता चल रहा है कि भैया आपके तो नंबर ही कट गए। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मतलब दिमाग खोल के काम करना है एग्जाम में। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना। देखिए बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऑप्शन तो सही होगा लेकिन नहीं पूछा तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों को संलग्न किया जा रहा है कार्यों में, ऑप्शन सही होगा लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही बात है लेकिन आपसे नहीं पूछा है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला कहता है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। भाई संख्यात्मक कौशल तो मैथ में करते हैं ना, ईवीएस में थोड़े ना करते हैं, ईवीएस में तो चारों तरफ के वातावरण पर्यावरण की चीज़ों के बारे में हम लोग सीखते हैं ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए कीवर्ड्स मैंने आपको कल बताने को बोला था और मेरे दिमाग से उतर गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज बता देती हूँ आपको। पेडागॉजी कुछ नहीं है, बस एक समझ है, छोटे छोटे कीवर्ड्स भी आपने अगर पकड़ लिए तो पेडागॉजी का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। जिसमें देखिए जैसे अगर कहीं भी आपसे बात करी जाए याद करने को, स्मरण करने को, या फिर रोट लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए, ऑप्शन आप गलत कर दीजिए, बच्चे को कभी याद करके नहीं सिखाना है, ठीक है। अगर
ऑप्शन में कह रहा है कि करके सीख रहा है बच्चा या सृजनात्मक तरीके से सीख रहा है, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन सही कर सकते हैं क्योंकि CDP में बाल केंद्रित शिक्षा में इसको बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है। और आपका जो नहीं करना है पेडागॉजी में, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए जो कोई बच्चा है जो अच्छा पढ़ लेता है, अच्छा पढ़ने में है, दूसरा बच्चा है जो कम पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, एक गिफ्टेड स्टूडेंट है एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो आप उनको अलग अलग नहीं बैठाएंगे। समावेशी शिक्षा की बात करता है, क्या बात करता है आपका, समावेशी शिक्षा की बात करता है, जिसकी वजह से आप इसको कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते। सेग्रीगेशन का जहाँ भी बात की जाए आप उसको कैंसिल कर दीजिए, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे कीवर्ड्स देख के जहाँ भी नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं आपको ऑप्शन वहाँ से आप कट कर सकते हैं। एलिमिनेशन की प्रोसेस आपको आनी चाहिए पेडागॉजी में, ठीक है, आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 71 हमने डिस्कस कर लिया, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी एक एक क्वेरी एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कहता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है, क्या संकलित करता है, विज्ञान की अवधारणाओं एवं मुद्दों को, सिर्फ साइंस को करता है, बिल्कुल नहीं करता, EVS है। बात करते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल साइंस, सोशल साइंस और साइंस की अवधारणाओं और मुद्दों को। भाई EVS में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, बच्चा तो अभी छोटा है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे अगर EVS पढ़ाई जा रही है तो वो हर चीज़ को अलग अलग थोड़े ना समझ पाएगा, EVS में ही आपकी तीनों चीज़ें 5th तक दे दी जाती हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, जो कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, ठीक है, बताते हैं क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, EVS आपका कभी कक्षा 1 से शुरू नहीं होता है, 1 से आपको ज्ञान दिया जाता है लेकिन अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, तो EVS आपका 1 से 5 तक शुरू नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। 1 से 2 की कक्षाओं में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, बात बिल्कुल सही लिखी है इन्होंने, 1 और 2 क्लासेस में EVS नहीं पढ़ाया जाता है, EVS आपका कक्षा 3 से शुरू होता है, कक्षा 5 तक जाता है, ठीक है, और 1 और 2 में आपका लैंग्वेज और मैथ के थ्रू आपको सिखाया जाएगा, 2, 3, 4, 2 में तो पढ़ाया ही नहीं जाता, गलत हो जाएगा। 1 से 2 तक कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे पढ़ाए जाते हैं, नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो 73 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समझ दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है या पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है या फिर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। देखिए भाई बच्चों को क्या किया जा रहा है, सीखने के लिए और खोजने के लिए पर्याप्त समझ या समय दिया जा रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैंने अभी बताया था रोट लर्निंग को आप बढ़ावा नहीं देंगे, याद करवाने का जहाँ भी आपको दिख रहा है आप ऑप्शन गलत कर दीजिए, बच्चों को याद नहीं करवाना है, रटंत विद्या नहीं देनी है, उनको मशीन नहीं बनाना है, करके सीखेंगे बच्चे, एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीज़ों को, ठीक है। दूसरा आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बच्चे एक्टिव है ना, खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें, खुद से सीख रहे हैं, तो फिर कैसा हो जाएगा, बाल केंद्रित हो जाएगा। बाल केंद्रित में आपको पता ही है, बाल केंद्रित में क्या माना गया है, बच्चे को एक पेड़ माना गया है जिसमें कहा गया है कि भाई इसमें ग्रो होने की कैपेबिलिटी है लेकिन आप इसको क्या दे सकते हैं, अच्छा वातावरण दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, मृदा दे सकते हैं, जिससे ये एक वृक्ष बन जाएगा, ठीक है, तो इसका 74 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की, जो कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित उपकरणों का उपप्रकरण है, उपप्रकरण जो कि मेन टॉपिक नहीं है, इसका सब टॉपिक है, ठीक है, तो मेन टॉपिक आपका ये है परिवार और मित्र, आपने पढ़ा ही होगा, भोजन है, बिल्कुल है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है,
आपको मेन टॉपिक्स 6 दिए गए हैं ईवीएस में, आपने पढ़े होंगे अच्छे से। जानवर जो है वो आपके पहले वाले टॉपिक में आ जाता है, इसलिए इसको सब टॉपिक माना गया है। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की, क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के लिए वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय मतलब डिजायरेबल मेथड, डिजायरेबल मेथड। भाई ऑप्शन क्या कहता है, विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या फिर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, या पाठ्य पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। नहीं रहना है पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित, केवल 6 प्रकरण आप रेखीय आयोजन में दे देंगे, इससे बच्चे कैसे सीख लेंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और आपका ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कहता है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। हमने आपको बताया बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका ऑप्शन आपका हमेशा सही हो जाएगा। बच्चों के समुदाय के सदस्य, सही बात है, बच्चे अपने पीयर्स के साथ काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, हाँ पाठ्य पुस्तकों का भी रोल रहेगा ईवीएस में, क्योंकि उसमें अब तो मतलब आपने देखा होगा ईवीएस में कितनी सही तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है, सारी पिक्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, इसमें कई नई नई चीज़ों को भी दिखाया गया है, तो पाठ्य पुस्तकें भी कई अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो आपका तीन ही ऑप्शन सही हो गए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या नहीं हमारी काम आएगी, लेकिन हमारा उसमें जो काम की चीज़ें वो काफ़ी काम की आती हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने से बच्चे नहीं समझ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन ए बी और सी सही होगा, जो कि आपका किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 77 का आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्या है, वृत्तांत मतलब नैरेटिव्स, या कहानियां स्टोरीज, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। भैया शिक्षक प्रभावशाली व्याख्या कितनी भी प्रभावशाली व्याख्या दे दे, लेकिन अगर बच्चा सीखने के लिए उत्सुक नहीं है, अगर वो मतलब उस मूड में नहीं बैठा है सीखने के, तो आप उसे कभी नहीं सिखा पाएंगे, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन एवं व्याख्या कोई फायदा नहीं है, कितना भी प्रदर्शन अच्छा कर लें। ठीक है, जब तक नैरेटिव्स और कहानियों से बच्चे आसानी से सीखते हैं, इसलिए आपका 78 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है आपसे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है, जब वो किसी चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं और फिर चित्र बना रहे हैं, तो उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग ही तो बढ़ रही है, सही हो जाएगा। अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सही बात है। सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, सही बात है। तो आपके तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो 79 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 80 की, जो कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन क्या कहता है, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। बिल्कुल नहीं भाई, आप उनको ग्रुप में बिठा के ये सोच रहे हैं कि अनुशासनहीनता रुक जाएगी, कैसे रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं रुक पाएगी। ठीक है, तो ये तो कोई तुक्की बात ही नहीं हुई, बेकार बात है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, या फिर आपका अगला
अगला आपका ऑप्शन कहता है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, या फिर समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता करता है। भैया मतलब आप इसमें तो अपनी अपनी ही जल्दी कर रहे हैं ना, ग्रुप में बिठा के जल्दी जल्दी पाठ्यक्रम पूरा कर दो फिर आप आराम से मजे करो, ये तो कोई बात नहीं होती। ऐसे इसे तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, बी और सी सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो 80 का आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की, ठीक है। 81 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य, और दूसरा है आपका समुदाय के सदस्य, तीसरा है आपका समाचार पत्र, चौथा है कक्षा। कक्षा प्ले करता है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। परिवार आपका, समुदाय और समाचार पत्र, तीनों आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो 81 का आपका ए बी सी किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 82 क्या कहता है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, वैश्विक से स्थानीय, या फिर अमूर्त से मूर्त, या अज्ञात से ज्ञात, या ज्ञात से अज्ञात। भाई ये तो तीनों उल्टे लिखे हैं, अगर इनको हम सीधा कर देते तो एक बार ये सही हो जाता, मूर्त से अमूर्त जाता है ना कि अमूर्त से मूर्त जाता है, अज्ञात से ज्ञात नहीं जाता, ज्ञात से अज्ञात जाता है। तो आपका 82 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, याद ध्यान देना है इस बात को, नहीं पूछा है मतलब समय ढंग से पढ़ना है, नहीं तो आप पता चल रहा है कि यहीं से क्वेश्चन गलत करके आ जा रहे हैं। पहला है आपका पोर्टफोलियो, दूसरा है आपका क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा है आपका वर्णन अभिलेख, चौथा है आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। भैया हम जजमेंटल नहीं हो सकते ना, मान लीजिए आपने साल भर एजुकेशन करवाई और एक साल के बाद कोई एग्ज़ाम लिया, और एग्ज़ाम के बाद आपने बता दिया कि भाई ये बच्चा फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया, ये थर्ड पे आ गया, इससे तो आप बच्चों को जज कर ले रहे हैं ना कि ये बस इतना ही कर सकते हैं, तो ये आपके कोई आकलन का साधन, असेसमेंट का साधन नहीं है, ठीक है। तो आपसे नहीं पूछा था इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, ठीक है। आकलन असेसमेंट आपको पता ही है बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए, क्या कहता है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, अभी हमने आपको कीवर्ड बताया था, आप बच्चों मतलब बच्चों को असेसमेंट में बच्चों को आप गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है, उनमें हीन भावना तो बिल्कुल पैदा नहीं करनी है। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा 5 के EVS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ठीक है, और दूसरा है आपका आकलन के संकेतनकों का उपयोग, या फिर बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, दूर करना है ना, दूर करना है, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तो तीनों आपके पॉजिटिव ऑप्शन आ रहे हैं, गुणात्मक आकलन, क्वालिटेटिव असेसमेंट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसमें संकेतकों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही बात है, और पाठ के अंत में हम यह भी सीखेंगे कि आज हमने क्या सीखा है, EVS की बुक में आपके पीछे दिया रहता है कि आज हमने क्या सीखा, जिसमें बच्चे आपको बताते हैं। तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कहता है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियात्मक का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है, बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को क्या मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे, बच्चों को क्रियात्मक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करती है। घर से नहीं करवाना, घर से ही करवाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, ठीक है।
देखिए इसमें तीनों चीजें आ रही हैं, आपका बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन भी हो रहा है, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा है और उस पर आप चर्चा भी कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इनमें इसमें तीनों चीजें आ गई आपकी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 85 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, जो कहता है कि नीचे दिए गई सूची पर विचार कीजिए। सूची में क्या है? कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख और मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ठीक है, तो मछली, कौआ, घड़ियाल या फिर कछुआ। देखिए भाई, मछली पानी में रहती है, घड़ियाल पानी में, कछुआ पानी में, ये तो पानी में नहीं रहता, उड़ता है ना। तो आपका ऑप्शन इसमें, ये तो रीजनिंग का सवाल है, मतलब एकदम सरल सा, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि एकदम सरल क्वेश्चन है, बस आपकी समझ देखना चाह रहा है। सीटेट कुछ नहीं है, सीटेट इक्वल टू, सीटेट इक्वल टू योर अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बस इतना देखते कि आप कितनी समझ आपकी विकसित हो गई है। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम पॉजिटिव माइंड से क्वेश्चंस का आंसर देंगे ना, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्या कहते हैं, कॉलम ए से कॉलम टू को मैच करना है, जिसमें मतलब राज्य या शहर दे दिए गए जिनमें आपकी डिशेस पूछी गई है, कौन सी क्या खाई जाती हैं। आप सबने पढ़ा ही होगा भाई, हांगकांग में क्या खाया जाता है? सांप की डिश खाई जाती है, पकाया हुआ सांप, खतरनाक जगह है, सोचना मत जाने की कभी, अगर सांप ना खाते हो तो। ठीक, अगली केरल की बात करेंगे। आपको पता है भाई, उबला टैपियोका की बात करते हैं, मतलब केरल में खाया जाता है। कश्मीर में क्या खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए का 5, ठीक है, ए का 5 हो गया और बी का 1 हो गया। ए का 5 किस में आ गया? ए का 5, ये आपका गलत हो जाएगा। बी का 1 आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। और बात करेंगे कश्मीर की अगर, तो कश्मीर में क्या खाया जाता है? सरसों के तेल में बनी मछली। कश्मीर इससे चला जाएगा। गोवा में क्या खाया जाता है? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की, क्या कहता है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। आप सबको पता होगा, मतलब कोई इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। बात करेंगे अगर उल्लू की, तो ये ना अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है, ध्यान रखिएगा। मतलब क्वेश्चन आसपास से ही आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन ये पूछ दिए कल आपसे, या 21 वाले पेपर में आपसे उल्लू के बारे में पूछ दें, तो ठीक है। ऑप्शंस को आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कीजिए, आसपास के क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की, कहता है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या कहते हैं, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। हाँ भाई, सही बात है, आप सबने पढ़ा होगा राजस्थान के घर कैसे होते हैं, मिट्टी के होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, ठीक है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप सबने पढ़ा होगा कि बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। सही बात है। और नीचे की मंजिल में आप में पढ़ा होगा, इसमें खिड़की भी नहीं बनाते हैं ये लोग, ठीक है। तो आपके ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और सी, मतलब क्वेश्चन नंबर और ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 89 का। अगली बात करेंगे आज का क्वेश्चन, आपका आखिरी क्वेश्चन है, जो कहता है कि हाथियों के विषय में आपसे पूछा है, ठीक है। क्या कहते हैं, हाथी बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। सही बात है, हाथी के बारे में पढ़ के ज़रूर जाना, हो सकता है ऑप्शंस आपके चेंज कर दें, लेकिन पूछने के चांसेस काफ़ी हैं, ठीक है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। मतलब कितना माइनर सा डिफरेंस दिया है, बच्चे ऐसे देखेंगे और एकदम झटक से लगा के चले आएंगे। मतलब यहाँ पे 100 किलोग्राम तो आपका सही है और इनने देखो बस सिर्फ 200 किलोग्राम कर दिया 100 की जगह।
एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां नहीं खाता है, वो सिर्फ 100 किलोग्राम खाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, सही बात है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अगला कहते हैं कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सबसे सभी फैसले लेती है, और बिल्कुल सही बात है आपकी, तो ए और सी और डी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका सी डी ए दिया है, क्रम अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन वही है। तो ये रहे आपके आज के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को था ही नहीं, ठीक है। बाकी मैंने जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, इनसे आसपास के क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, जो ऑप्शंस आपको मिले हों उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे, और मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। चलिए चलते हैं, बाय।